वहीं जमशेदपुर से निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने पोटका विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा। जितेंद्र सिंह ने कालिकापुरा हाता हल्दी पोखर हरहद घुटू पोटका का दौरा किया और उस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि बागबेड़ा और हरहद घुटू में पानी की समस्या है, लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं, देखने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और स्थानीय सांसद पर भड़ास भी निकाली। अभी बागबेड़ा का हरहद घुटू में है और 10 साल से हमारे सांसद महोदय हैं और 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, बाहुबली सरकार, एकदम देश को विकसित करने वाला प्रधानमंत्री, और ये हाल है यहाँ के लोगों का। भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसे लोगों को बाल्टी पानी में के लिए लाइन में लगा करके, और 10 सालों से सांसद महोदय हैं और केंद्र में सरकार है उनकी, 300 करोड़ की बागबेड़ा जलापूर्ति योजना, 5 साल पहले भाजपा की सरकार भी थी राज्य में और आज तक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा पूरा बागबेड़ा और हरहद घुटू।